धन वाहिगुरु साहिब जी, तेरे कावन कावन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तरसोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब, मैं तुझ बिन अवर न कोई। सतगुरु सचे पातशाह जी की अपार कृपा का सदका अज आपू अपने घर बैठ के जिहड़ी प्रेजेंट एक समस्या बहुत भारी इस महामारी की बन चुकी है, करोना वायरस की, संसार का हर एक आदमी इस बीमारी के कोलों जिथे चिंतित है। विश्व भर के जिहड़े मैडिकली संगठन ने वो इस यत्न के दिन रात लगे हुए हैं भी कोई ना कोई यदा हल लभ के ते इस संसार नू इस महामारी तो बचाया जा सके। सच जाने सत्संगत असल जिहड़े हीरो ने वो गल वक्री है भी दुनिया के जिहड़ा सन्मान है जिहड़ा सत्कार है वह दुनियावी नौटंकी करने वाले दा हीरों दा ज़्यादा है, पर असल दे विच जिहड़े असल हीरो वो ही ने जिहड़े आन ग्राउंड दे विच काम करते ने। अज मैडिकली जिहड़े इस किते दे नाल संबंधित लोग ने वो दिन रात चाहे वो जिउंदे लोगों की सेवा करन वाले होण ते चाहे करोना वर्गी बीमारी दे नाल मौत होण तो बाद उन्हां दा अंतम संस्कार अंतम रस्मां करन वाले होण, सचमुच असली हीरो संसार च उहने उन्हां हीरोआं नूं इक वार जरूर साडा नतमस्तक करन नूं जी करदा है। सो सत्संगत जिथे लोग असली संसार दे हीरो ने उत्थे ही संसार दे विच बहुते सारे लोगों ने इस बीमारी, क्योंकि शुरू तो रवायत रही है इस हिंदुस्तान की भी इत्थे संसार दे विच लोगों नूं बहमां भरमां दे नाल जिहड़ा है बहुत जोड़िया गया, हर एक चीज़ के पिछे कोई ना कोई वहम कोई ना कोई भरम जिहड़ा जोड़ दिता गया। जिस तरह अज जिहड़ा ग्रहण है कुदरती तौर पर सत्संगत जदों सूरज नूं ग्रहण लगता है तो ये पिछे जिहड़ा कारण मैन की है भी जिहड़ा सूरज चंद्रमा धरती ये सारे जिहड़े ने एक मान लो भी बहुत बड़े एक ग्रह ने गोले ने, तो जदों सूरज भी घूमता है धरती भी घूमती है, तो जदों ये एक दूजे के सामने घूमदियां घूमदियां एक दूजे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, तो जिस पास्यों जिस इलाके दे विच जिस देश दे विच एकदम सामने आ जाते हैं तो हौली हौली फिर ज्यों ज्यों कटते हैं उस समय का जिहड़ा दृश्य उन्हूं ग्रहण किया जाता जदों सूरज के सामने चंद्रमा गया जब चंद्रमा के सामने सूरज ते कुदरती गाला भी हौली हौली उन्हूं पास करना तो उन्हूं मन्निया गया सी ग्रहण है। इहदा संबंध जिहड़ा सी इह एक कुदरती तौर पर तुसीं इह विज्ञानी तौर पर जे मन्निया जाए भी हो सकता है इहदे नाल कुछ रेज निकलन जिहड़ियां संसारिक लोगों के लिए उन्हां दी अखां दे लई हामफुल गंदी गल मन्नी जा सकती, पर इहनूं धर्म दे नाल जोड़ दिता जाणा और धर्म का इहनूं एक अंग बना के लोगों के भरम जिहड़ा पुरातन समयां दे विचों फैलाया होया वह अज भी जिहड़ा उसे तरह प्रचलित है। इतिहास गवाह है जदों धन गुरु नानक साहब महाराज जां गुरु नानक साहब महाराज तो पहला असी भाई मनसुख जी का इतिहास पढ़ते हैं। भाई मनसुख जिहड़ा ये कोई प्रचारक नहीं सी सत्संग ते व्यापारी सी एक व्यापारी, पर इहदा जीवन करदार किहो जिहा सी इन्हें गुरु नानक की सिक्ख्या इस ढंग जी है वह हंडाई हुई सी भी एन बैन बिल्कुल सीधा गुरु नानक साहब के दसे स्थान पर तुरन वाला सी। व्यापार करता करता जो श्रीलंका गया ना तो कहते श्रीलंका दे विच उस समय ग्रहण लगा होया सी, जो ग्रहण लगा होया तो उतों के धार्मिक लोगों ने यह राजे के द्वारा ऐलान करवाता भी कल इन्ने बजे ग्रहण शुरू होना है जिदा अज संसार दे विच भरम पाए जाते हैं इन्ने बजे ग्रहण लगना तो कोई भी आदमी चुल्हे दे विच अग ना बाले। सत्संगत एक राजे का जदों हुक्म होवे तो कुदरती गल है भी उहदा हुक्म सारी प्रजा और उहनां समयां दे विच अज हो सकदा भी ना मन्ने, क्योंकि अज जिहड़ा है अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए ने, न्याय प्रणाली अलग है, कानून अलग है, राजे की पावर अलग है, उहनां समयां दे विच सारी दी सारी पावर एक ही राजे दे कोल होया करदी सी। हुण जदों राजे दा हुक्म राजे दे हुक्म दे कहण ते ढंडोरा पटवा दिता गया, पर गुरु नानक दा सिख किसे दे धार्मिक
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਐਨ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟਰ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਕਿਨੇ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ, ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ। ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ, ਔਰ ਉਸੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਰਨ। ਖੈਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਊ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੋਹਬ ਜਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਦੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਉਹ
बोल ने उन्हां शब्दां दे मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कवन मास कवन साग कहावै किसमें पाप समाना। सतगुरु कहिंदे मूर्खां वाले झगड़े ने, दरअसल मास उत्ते झगड़ा कर लेना मीट उत्ते झगड़ा कर लेना केवल मूर्खां वाला। जे खाने वाला झगड़ा करता भी मैं सही हाँ तो सतगुरु कहिंदे वह भी मूर्ख है, तो जे नहीं खाने वाला झगड़ा करता भी मैं सही हाँ तो सतगुरु कहिंदे वह भी मूर्ख है। दरअसल इहदा तो धर्म नाल लेना देना ही कोई नहीं। कवन मास कवन साग कहावै किसमें पाप समाने, सतगुरु कहिंदे किहड़ा मास है किहड़ा साग है किहड़े खाण नाल पाप है किहड़े खाण नाल पाप नहीं है, ये एक भुलिख है। तुसी नोट करियो सतसंगत, जिहड़ी चीज़ कुदरत नाल ग्रोथ करती है, जिहड़ी गल गुरु नानक साहब अज दे दिन अज तो भाव अज भी सूरज ग्रहण लग्या तो सूरज ग्रहण ते गुरु साहब जिहड़ी गल उन्हां नूं समझा रहे, सतगुरु उन्हां नूं समझा रहे ने, कहिंदे ने तुसी देखो जिहड़ी चीज़ एक नैचुरल जिहड़ी लिविंग थिंग है ना नैचुरल कुदरत नाल ग्रोथ करती है वो सारयां दे विच जान है और हर एक नूं तकलीफ है। वह गल वक्री है भी साढ़े कन्नां दी जिहड़ी सुनन दी क्षमता है ये 50 हर्ट्ज़ तो लैके 1000 हर्ट्ज़ तक, यानी 50 हर्ट्ज़ तो थले साढ़े कन्न सुनते नहीं, 1000 तो गांह जी उच्ची आवाज़ होती साढ़े कन्नां दे जिन्हों कहते पर्दे पाट जाते हैं, ग्रनेड ब्लास्ट हो जाए इन्नी ज़्यादा साउंड होंगी भी कान के पर्दे पाट जाते। हुण मान लो भी तुसी जिहड़ी चीज़ कुदरत नाल ग्रोथ करती है, तुसी देखो कोई साग है कोई सब्जी है कोई भिंडी है, जे कुदरत नाल ग्रोथ करती है तो गल मननी पैनी है भी इन्हां दे विच भी जान है। और बड़े थां ते कीतियां खाणी कीतियां बाणी, इन्हां खाणियां दे विच सतगुरु ने जिक्र भी कीता है अंडज जेतज सेतज ओतपुज, जिहड़े ओतपुज ने उहदे च सारी बनस्पति आउंदी और सारी दी सारी बनस्पति दे विच जान है। तो एक पासे एक आदमी मान लो तुसी टमाटर तोड़ के बनाउंदे हो, मैं विषय फिर क्लीयर कर दिया, मेरा विषय यह नहीं भी मास खाणा कि नहीं, गल यह भी इहदा जिहड़ा लॉजिक है ना लॉजिक सही हो रीज़न सही होवे। रीज़न की है जे एक टमाटर तोड़िया जाता है, अच्छा तुसी दूजे पासे छड्डो आम दुनिया के जिहड़े लोग मास नहीं ना खाते जिन्हों शाकाहारी कहते हैं, वो शाकाहारी लोग की सब तो ज़्यादा वरतों का करते हैं दुध की, और दुध की है जी दुध तुसी अज भी इंटरनेट के उत्ते भी बढ़िया योजे सुंदर ढंग लोगों ने एकदम एक्सप्लेन करके रखता है दुध जिहड़ा ये लिक्विड मास है। और इस करके तुसी देखो जिहड़े जिहड़ा जिहड़ा डंगर जिहड़ी मझ जिहड़ी गां ज़्यादा दुध दिंदी है ना और बड़ी छेती उहदी मौत हो जाती है क्योंकि ये लिक्विड मास उहदे शरीर के जिहड़े हड्ड जिहड़ी उहदी चर्बी है ना ये घुल घुल के दुध दुध दे जरिए बाहर निकलती और जिन्नी ज़्यादा उहदे शरीर के विचों ये चर्बी निकलती है उहदे हड्ड खुरदे ने उन्नी छेती उहदी मौत हो जाती। दुध भी एक मास है पर यह लिक्विड मास दे विच आउंदा है, लिक्विड है इहदी लिक्विड शेप है। इस करके सतगुरु ने यह गल समझाती उत्थे लोगों नूं, कहिंदे भी जिहड़े तुसी अपने आप नूं शाकाहारी कहण वाले हो ना मास तुसी भी खांदे, बस फर्क इन्ना है भी तुसी चम रूपी मास नहीं खांदे तुसी दुध रूपी मास खांदे। और दुध रूपी मास और दुध नाल सतसंगत किन्ने प्रोडक्ट इहो जिहे ने जिहड़े साडे घर दे विच मिल्क प्रोडक्ट आउंदे ने जिहड़े असीं सारे वरतों विच करदे। और गुरु साहिब ने उहनां नाल एक गल होर बड़े कमाल दी कहती, कहिंदे तुसी अज इत्थे आ के धर्म दे आगू बन के इस चीज़ को रोक रहे हो बई इन बहुत बड़ा पाप समझ रहे हो और ये उत्ते तुसी मरन मारन ते आ गए, अज भी साढ़े समाज मरन मारन ते आ जाते। सतगुरु कहते तुहाडे पुरातन जिहड़े इतिहासक ग्रंथ ने और तुहाडियां ग्रंथां च इहदा जिक्र है गैंडा मार होम जां कीए देवतियां की बाणे कि देवतियां नूं खुश करन दे वास्ते गैंडा मार के होम जग कीते जांदे सी अश्वमेश जग की सी, इत्थों तक कि अपने बेजान पत्थरों को खुश करन दे वास्ते जान अज भी हुंदा आ बरादरियां दे नाम दे उत्ते मीलां बनियां होईयां ने उन्होंने थां ते अज भी बकरे चढ़काए जांदे, अज भी कई थावां ते देवियां नूं खुश करन वास्ते और इत्थों तक साउथ दे विच ते मझां दी बलियां दित्तियां जांदियां ने मझां दियां बलियां। सतगुरु कहिंदे तुहाडे ते धार्मिक ग्रंथां दे विच इहदा जिक्र है, तुसी एक पासे कहिंदे कुछ हो करदे कुछ हो, गल मैं फिर उत्थे दोहरा दिया मैं मेरा मकसद गुरु साहिब कहिंदे इह नहीं भी तुहानूं मास खाणा वो गल चंगी है भी कोई नहीं खाता बहुत वधी है, पर असल दे विच इहदे पिछे जिहड़ा तुसी लोकां नूं भुलेखे ते पा रहे हो ते तुहाडे धार्मिक ग्रंथ एक पासे तुसी की करदे हो मास छोड़ बैस नाक पकड़े राती मानस खाने, एक पासे ते माड़ी जी मास दी किते बनन दी तुहाडे नक्कां दे विचों दी वास आ जाए ते तुसी नक्क फड़ लैंदे हो, इत्थे नक्क फड़ लैंदे हो भी इत्थे मास बन रहा है। ते सतगुरु कहिंदे तुहाडे ते धार्मिक ग्रंथां च भी लिखिया और नाल एक गल होर चेते रखियो राती मानस खाने तुसी ते
मानस खाने की है भी दुनियावी मास नहीं छड़ना पर गरीब का हक मार के खाना सतगुरु कहिंदे सब तो वड्डा मास खाने के बराबर। दूजे पासे ते तुसी किन्ने प्रकार का मास खाते हो, छोटे लोगों ते इहो जिहा जुल्म करदे हो भी जिहदी जात छोटी उहनूं तुसी धार्मिक मंदिर के अंदर नहीं बढ़न दिंदे, उह ते सब तो वड्डा मास खाना है। और सारी दिहाड़ी तुसी शूद्र शब्दंग प्रैक्टिस की सी भी शूद्र जिहड़ा है वह सारी जिंदगी सारी दिहाड़ी जिहड़ा वह दूजियां दी सेवा करेगा और शाम नूं उहदे सेवा दा उहनूं रजाना भी केवल खाण वास्ते कुछ दे देना, बाकी कोई उहदी बणी मजदूरी भी नहीं सी दित्ती जांदी। इस करके सतगुरु ने उन्होंने समझाया कहिंदे मास छोड़ बैस नक पकड़ें, राती मानस खाना है तुसी आप मानस खाने हो, पर एक गल चेती रखियो ये फड़कर लोगों नूं दिखलावा है, ये तुसी केवल जिहड़े है ना ये फड़ लोगों नूं एक ड्रामा करके दिख रहे हो, तो असल दे विच ज्ञान ध्यान नहीं सूझे तुहानूं, मास तुहानूं साग इहदे बारे कोई ज्ञान नहीं है, तुहानूं धर्म तुसी ते केवल एक धर्म का लिबास पा के और कुछ कुछ अपने अपने सिद्धांत तुसी बनाते हो। तुसी वेखो ना अज ते सत्संगत वैसे दुनिया साडे ते वी बन गए ने, जिहड़े लोकी सारी जिंदगी दुनिया नूं मास तों रोकदे ने उही लोकी धार्मिक स्थानां दे उत्ते इस बकरियां दी बली वी उही लोकी लै रहे ने, धक्का उही लोकी संसार दे विच करी जा रहे ने। सो गुरु नानक साहिब महाराज ने उहनां लोकां नूं समझा दित्ता, नानक अंधे सेवकां कही है कहिंदे अन्ने नूं क्या अन्ने इंसान नूं क्या किया जाए कहे ना कहे बूझे। हुण इत्थे अंधे अंधे तों भाव इह नहीं है जिहनूं इह अखां नहीं ने, अंधे ना आखियां जिन मुख लोहे नाए, जिन्हां दे मूंह दे उत्ते अखां नहीं ने उह अन्ने नहीं ने। असल दे विच अन्ने उह ने जिहड़े सुरत करके अंधे ने, जिहड़े लोकी देखी भी जा रहे ने फिर भी मरण वास्ते तैयार नहीं। ते सतिगुरु कहिंदे इहो जे अन्नियां लोकां नाल की विचार धर्म दी करीए, की तुहाडे नाल गल करीए, वास्तव दे विच तुसीं सारा कुछ आप ही करी जा रहे हो कि जे रत लगा कपड़ा जामा होए पलीत, जे माड़ा जिहा खून तुहाडे कपड़े नाल लग जाए तो तुसीं कहिंदे हो जामा पलीत हो गया, पर एक गल चेते रखियो जो रत पीवै मानसा, जिहड़ा इंसानां दा तुसीं खून पी रहे हो तो तुसीं निर्मल किद्दां होगे। यही गल ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर दे कोल पंचवटी दे स्थान ते पहुंचे ना, ते कहिंदे जिन्ने सिंह नाल सी उहनां नूं हुक्म दित्ता भी ये सारे तुसीं इहदे डेरे दे विच जिहड़े उहने फुल बूटे करके, क्योंकि वह रिद्धियां सिद्धियां करदा सी, उन्हों समझाउण वास्ते इत्थों तक जिक्र भी उत्थे वकरे चटकाए गए। तो कहिंदे जदों उहदियां छिट्टां उहदे डेरे ते पईआं ना ते बड़े गुस्से दे विच आया, इहने आंदिआं ही एक गल कही गुरु साहिब नूं, पहलां ने रिद्धियां सिद्धियां लाईआं जिते गल ना कोई सिरे चली, इहने आउंदे ही एक गल कही कहिंदा महाराज तुसीं मेरे डेरे दे विच आए, तुसीं आह नुकसान कीता आह नुकसान कीता, फुल बूटे तोड़िया कीता, चलो सब कुछ मैं कर लाँगा, मेरे बैड ते बैठ के कोई गल नहीं मैं बर्दाश्त कर लाँगा। पर एक चीज़ बर्दाश्त तो बहर है, बर्दाश्त तो बहर यह है भी तुसी आ जड़ा मैं सारी जिंदगी इस मास तो पर सी मेरे डेरे च आके आ जड़ा जानवरों का वध करके खून इदी इतने नदी खेडी है ना, आ खून जड़ा तुसी डेरे छिड़काया ये बहुत बड़ा एक पाप किया है, ये मेरे तो बर्दाश्त नहीं होंदा। तो सतगुरु ने उन्होंने समझाया कहिंदे चार छिट्टे खून दे तेरे डेरे च पै गए ते तेरी रूह कंडे खड़े हो गए, जरा उस पंजाब की धरती से जाके वेख जिथे हर रोज़ सैकड़े मासूमां दे खून जिहड़ा है बहाया जांदा, जिथे हजारां की तादाद दे विच लोकी जिहड़े ने उहनां दीआं इज्जतां पत्तां दे नाल खिलवाड़ करके मारदाड़ हुंदी है, कदे उह देख के तेरे रूह कंडे खड़े नहीं होए, कदे उह देख के तैनूं दुख महसूस नहीं होया। सो यही गल गुरु नानक साहिब ने उहनां नूं एक भरम चों कढ़े भी अज के दिन तुसीं खास दिन आ जिहड़ा एक बहुत माड़ा दिन मन के ते दुनिया नूं तुसीं भुलेखे च पा के बैठे हुए हो, दरअसल ये कुछ नहीं है, कोई सूरज ग्रहण इहो जी कोई वड्डी आफत नहीं है, इहदा कोई संबंध नहीं भी तुसीं घर का खाना पीना सारा छड्ड के तुसीं वरत रख के बह जाओ, कोई कोई लेना देना नहीं इस ग्रह दे नाल। और गुरु साहिब यही सतगुरु गल समझाउंदे आ उहनां नूं अगे समझा रहे कहिंदे अंधा कौन है जे अंध कमावै, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਿਦੈ ਸੇ ਲੋਚਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗਤ ਆਦਮੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ 6x6 ਹੋਵੇ ਲਾਭ ਕੋਈ। ਬੜੀ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗਤ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੱਖ,
एक साल की उम्र अखां चों जोत चली गई, पर क्या कमाल का कीर्तन करते हैं। सतगुरु कहिंदे दुनियावी अखां नहीं ओ नहीं ने हृदय से लोचन नाहीं, जिहदे हिरदे दे विच अन्ना नहीं अखां नहीं ने ज्ञान दियां ओ कुछ नहीं, क्योंकि मात पिता की रक्त निपन्न है। कहिंदा जिस बंदे दियां हिरदे दियां अखां होण ना तो उन्हूं पता लग जांदा मास की है। माता ते पिता का जिहड़ा रक्त बिंद दे नाल इह शरीर बनता है। सतगुरु अगे बंद समझाउंदे कहिंदे शरीर भी तो एक मास दा ना, तो मच्छी मास ना खाए। एक पासे तो दिन रात इस मास नाल इस शरीर नाल प्यार किया जाता है, तो एक पासे माड़ा जे मच्छी दूजे मास तो इन्नी नफरत की जाती है। एक गल चिते रखी, इसत्री पुरख है जन इस मेला, उत्थे मंद कमाई। कहिंदे संसार दे विच जिहड़ी संसार की उत्पत्ति है भी मास तो है, इसत्री ते पुरश के मास नाल संसार की उत्पत्ति होंदी है। इस करके मासों निम्मै मासों जम्मै हम मासां के भांडे, मास तो ही साडी उत्पत्ति हुई है। मास नाल ही जदों इंसान जवान हुंदा उहदा विआह हुंदा है। दरअसल ये संसार एक मास का भंड है, और सब तो ज़्यादा जो लंबा समा इस मास को सवारन ते लगा तुसीं देखियो बंदा सब तो ज़्यादा प्यार ही इस मास नाल करदा है। इस मास नाल इस चम नाल ही सब तो ज़्यादा प्यार है। इस करके सतगुरु कहिंदे हम मासा के भांडे, हम असी तो मास के भांडे बने हुए हैं, मास के भांडे हाँ, पर ज्ञान ध्यान कछ सूझा ना ही चतुर कहावे भांडे। तेनों असल दे विच मास दे बारे नॉलेज ही कोई नहीं है। तू तो एवें लोगों को मास मास कर मूर्ख झगड़ मास के नाम से लड़ाई जाना, एवें लोगों के सिर पाली जाना, असल च तेनू पता ही नहीं ज्ञान ध्यान कछ सूझा ही नहीं, तेनों पता ही कख नहीं। तू अपने आप को बेशक चतुर कहा, पर दरअसल बार का मास मंदा स्वामी, घर का मास चंगेरा। वो गल बखरी है भी वह मास तेनों माड़ा लगता है। देखो मैं एक गल फिर दोहरा दें, सत्संग तो एक साडा सुभाव बन गया भी असं बिचों बिचों गल चुक के ना उन्होंने प्रचारण के बच्चे एक नवा ही वैसे ये प्रचार दायरा खुल चुके है। वैसे तो वरतों बड़ी वधिया सी जी की जाती सोशल मीडिया की, पर इहदा लाभ असी घट लिया तो नुकसान ज़्यादा। बिचों चुक के पंक्तियां तो उहदा प्रापोगंडा असी बहुत बना लैंदे हां। दरअसल सतगुरु ने इत्थे किसी नूं धक्के नाल मास खाउण की गल नहीं कही, सतगुरु ने गल समझाई असल च मास है की है, और समझाई भी उस वक्त जदन सूरज ग्रहण लगा सी, मास का लोग नाम नहीं सी लेंदे। वैसे गुरु नानक एक बहुत वड्डे क्रांतिकारी होए ने, कोई दुनिया का आदमी सत्संगत ये हो सकता भी जिदन जिहड़ा काम हो रहा हो सारी दुनिया मन रही होगी उहदी विरोधता। इसे गल नूं ते सतगुरु की बाणी दे बाबर बाणी च लिख दिता गया, सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेड़ा। इस करके सतगुरु कहिंदे तैनूं बाहर दा मास चंगा लगता है, पर जी जंत सब मास होए जी लिया वसेरा। कहिंदे ये सारे जीव जंत मासा नाल ने, ते मास दे नाल ही सारिआं दा वसेरा है। अभुख भखें भख तज छोड़ै अंध गुर जन केरा। सतगुरु सच्चे पातशाह पूरे शब्द दे विच, क्योंकि समा इजाजत नहीं दिंदा पूरे शब्द की विचार की जाए सत्संगत, पूरे शब्द दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं असल मास दस दिता। कहिंदे मास की है, मास शुरू कित्थों हुंदा है। गुरु साहिब महाराज ने पूरे शब्द दे विच उन्हां लोकां दे जिहड़े ने कपाट खोल दिते कि मास पुराणी मास कतेबी, भी इहदा ते पुराणां दे विच भी जिक्र है, इहदा किताबां दे विच भी जिक्र है, चौं युग मास खाणा, चारे युगां दे विच मास दा जिक्र आउंदा है। इस करके तुसीं इस भुलेखे दे उत्ते संसार नूं पा के संसार दा शोषण ना करो। गुरु नानक साहिब महाराज ने अज दे दिन जिथे उन्हां लोकां दे विच भुलेखा कढ़िया उत्थे सत्संगत सानूं भी इन्हां भरमां तों, क्योंकि बहुत सारा सिख समाज भी, और सच जाणियो फोन भी दो तीन आए सवेर दे भी भाई साहिब जी ये बारे की राय है भी ग्रहण लगा तो सारी दुनिया अंदर बड़ी है, तो आंढ़ी गुआढ़ी सारे तो चुल्हे च पानी पा के बैठे हुए हैं। तो मैं हसते हैं कि मैं कभी धन गुरु नानक साहब ने तो उन्होंने समझाने वास्ते जिक्र आता भी मास भी बनाया गया, तो फिर जो तुम समझा तो मास की वरतों करके समझाओ। खैर सत्संगत इन्हों भरमा भुलेखा तो जोड़ा बखरा है उसे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने खालसे का तोहफा तो खालसा ये सानू माण होना चाहिए भी दुनिया के लोग इन भुलेखिया के फसे हुए हैं, तो असी इन भुलेखिया के मेरे सतगुरु ने कृपा करके सानू पहला ही बचा दिता है। आओ सतसंगत गुरु साहब दिया अपन इन जी संसारक कोतक ने इन दे कोलों सहद लैके असी अपने समाज में एक चंकी दिशा वाले पासे लैके जाइए। इतनिया विचार प्रवान भुल गलती की खिमा अरदास करो सतगुरु सच्चे पातशाह बड़े छेती इस संसार इस भयानक बीमारी तो नजाकत दियो ताकि संसार फिर दोबारा कट्ठे हो के इस संसार दे विच उस तरह लोग जिहड़े ने हसते खेलते रहन। इतनिया विचारां प्रवान भुल गलती दी खिमा दिओ सीस आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।